दिस इज रायप्रीत और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव बाड़िया चैनल। ये है मस्टर्ड ऑयल का मिनी प्लांट, देखिए फैक्ट्री मेड में रायप्रीत के साथ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कैसे तैयार होता है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल एक बीज से। तो यही देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। एक मिनी स्टोर में कैसे प्लांट स्टेबल किया जाता है और उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है आज वो हम देखने वाले हैं। लोकेशन ट्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। भारतीय जनता के द्वारा डिटेक्टिव पहाड़िया चैनल के हित में जारी। मैं दिखाने लाया हूँ आपको मस्टर्ड ऑयल का मिनी प्लांट, एक स्टोर के अंदर कैसे डेवलप होता है बीज से ऑयल। देयर बी लोकेशन, एड्रेस इज गुड़गांव जो कि गुरुग्राम हो चुका है, गुड़गांव सोना अलवर रोड, गुड़गांव अलवर बिटवीन नोगावा टर्न मोड, नोगावा मोड, मुबारकपुर मार्केट सेकंड गुरुद्वारा, अपोजिट टू डॉक्टर जसवंत सिंह जनरल स्टोर। हम स्टोर के अंदर आ चुके हैं, ये पर्सन इस मशीन के ऑपरेटर हैं और हमें ये मशीन ऑपरेट करके दिखाने वाले हैं, लेट्स सी। सबसे पहले मोटर से बेल्ट को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इंजन को चला लिया जाता है। सेकंड नंबर पे सीधी खेत से आई हुई मस्टर्ड ऑयल के बीज की बोरी को तैयार कर लिया जाता है। ये हैं मस्टर्ड ऑयल के बीज के दाने। अब इसके आगे का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। मस्टर्ड ऑयल के बीज के दानों को छान कर निकालने के बाद बाल्टी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। मस्टर्ड ऑयल के बीज से मस्टर्ड ऑयल बनाने के लिए सरसों के बीज का ही इस्तेमाल होता है। बोरी से आए हुए मस्टर्ड के बीज को बाल्टी में डाला जाता है मस्टर्ड ऑयल तैयार करने के लिए। इस तरह बकेट में बीज को पहले से रख लिया जाता है। स्क्रीन पर दिखाए जाने के अनुसार यह है मस्टर्ड ऑयल का बीज। बकेट से बीज को मशीन की स्टार्टिंग कन्वेयर में डाल दिया जाता है। स्टार्टिंग में डाले जाने के दौरान मशीन बीज का आटा बना देती है। वेस्टेज निकलने के बाद रीप्रोसेस होता रहता है, उसे फेंका नहीं जाता, बार बार कन्वेयर में डाला जाता है उस वेस्टेज को ऑयल अच्छी तरह निकलने के लिए। बीज का गूदा कन्वेयर बेल्ट से बाहर आ जाता है और उसके बाद रीप्रोसेस करा जाता है, बार बार उसे डाला जाता है कन्वेयर बेल्ट के अंदर जब तक वो सूख नहीं जाता। ये प्रोसेस बार बार साइकिल की तरह चलता रहता है। जब तक गूदे से मशीन सारा ऑयल खींच नहीं लेती तब तक ऐसे ही रीप्रोसेस ये सारा होता रहता है। बार बार गूदा अंदर डाला जाता है और बार बार वापस आ जाता है मशीन के बाहर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बीज मशीन के अंदर डालने के बाद बीज गूदा बनकर बाहर निकलता है मशीन के। इस तरह बीज गूदा बनकर मशीन के बाहर निकल जाता है। उसके बीज के डाले जाने के बाद बीज के गूदा बनकर बाहर आ जाने के बाद वापस से बकेट से कन्वेयर में डाल दिया जाता है। बीज का गूदा मोटा हो जाने के बाद ऑपरेटर मशीन का कंट्रोल सेट करता है। ऑयल मशीन की छन्नी से बाहर आकर पीपे की बकेट में डलना शुरू हो जाता है। पीपे के ऊपर मशीन के ऊपर वाले हिस्से में बीज और बीज के गूदे को मशीन आटे की चक्की की तरह निचोड़ रही होती है, पर आटे की चक्की का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। बीज के गूदे को मशीन से निचोड़े जाने के दौरान छन्नी में से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, नीचे की साइड बकेट में स्टोर हो जाता है। ये मशीन सबसे पहले बीज का आटा बनाती है। मशीन के अंदर कन्वेयर बेल्ट में आटे के आगे बढ़ने के बाद मशीन आटे का गूदा बना देती है। आटे का गूदा बनने के बाद नीचे से ऑयल निचोड़ना शुरू हो जाता है। एक पीपे की बकेट के अंदर ऑयल नीचे स्टोर हो जाता है और गूदे का वेस्टेज बाहर निकल जाता है। उसके बाद रीप्रोसेस दोबारा होता है, गूदे को वापस से कन्वेयर के अंदर डाला जाता है। अभी भी प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है, ऐसा करने से आधा ही ऑयल निकलता है। पूरा ऑयल निकालने के लिए उसके अंदर केमिकल मिक्स करे जाते हैं। उसके बाद मशीन अपना रीप्रोसेस चालू कर देती है और मशीन के गूदे को जो वेस्टेज निकलता है वो अलग से एक
बोरी के अंदर डालकर वापस कर दिया जाता है कस्टमर को। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था, मोटर से बेल्ट को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी से मशीन को चलाया जाता है। इस तरह से मशीन एक पर्याप्त जगह पर रखी होती है और उसके साथ मोटर कनेक्ट होती है, डायरेक्टली नहीं पर बेल्ट के ज़रिए वो कनेक्ट होती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उस दौरान कैसे ऑयल निकलता है और कैसे मशीन का प्रोसेस चलता है वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हैवी वॉट की मोटर होती है वो जब चलती है उसके साथ बेल्ट कनेक्ट होती है और उसके साथ चक्के घूमते हैं। चक्के घूमने के बाद मशीन के इंजन पर असर पड़ता है और वो मशीन का इंजन उससे घूमता है, उसके बाद मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है। ये प्रोसेस वन बाय वन बेल्ट के ज़रिए होता है। ये प्रोसेस वन बाय वन बेल्ट के ज़रिए तो होता ही है पर उसके साथ ये सब एक साथ काम करेंगे तभी मशीन मस्टर्ड ऑयल निकालती है। अगर ये अलग अलग काम करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए टाइमिंग और इन सब का एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है। मशीन का इंजन, बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट और मशीन का जो चक्का है जो ऑयल निकालता है वो, और ये सब एक साथ, इंजन, मशीन, सब एक साथ घूमना ज़रूरी है। और चक्के भी, मशीन, चक्के और मोटर, ये सब एक साथ घूमेगी तभी ऑयल प्रोसेस में आ पाएगा। स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले मोटर चलती है, मोटर के बाद बेल्ट के ज़रिए चक्का चलता है, चक्के के ज़रिए दूसरा चक्का चलता है, जो दूसरे चक्के के ज़रिए बेल्ट के साथ तीसरा चक्का चलता है, तीसरे चक्के के ज़रिए मशीन चलती है जिससे मस्टर्ड ऑयल निकलता है। यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और उसके बाद मशीन कैसे चलती है वो भी आप देख लीजिए, वो भी बेल्ट के ज़रिए घूमती है स्टेप बाय स्टेप, उसके चक्के घूमते हैं। उसके बाद अंदर का प्रोसेस मैंने आपको पहले दिखा ही दिया है, दिखा चुका हूँ, और ऐसे सब प्रोसेस होता है। इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो वेस्टेज गूदा है उसे कस्टमर को वापस कर दिया जाता है। और उसके बाद जो पीपे का ऑयल है, पीपे में गिरा हुआ ऑयल है, उसे आगे स्टोर में ले जाए जाने के लिए, आपके घरों में ले जाए जाने के लिए तैयार हो जाता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे बीज का आटा बनता है, सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल के बीज का कैसे आटा बनता है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले मैंने नहीं दिखाया था, अब आगे लास्ट में दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करया करो। पीपे में ऑयल कंप्लीट हो जाने के बाद उसे बकेट में डाल दिया जाता है पैक करे जाने के लिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे ये पर्सन बकेट में ऑयल को निकाल रहे हैं जो मशीन से निकलकर अभी आया है ताज़ा ताज़ा। आज मैंने दिखाया किस तरह से मस्टर्ड ऑयल तैयार होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। Thanks for watching. See you after later.